गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टीचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आज का हमारा टॉपिक है लिंग, यानी कि जेंडर। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने लिए नोट्स तैयार करें। परिभाषा बहुत ही ज़रूरी है आपको याद करने के लिए। अब हम देखेंगे कुछ वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखें, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। पहला है गाय दूध देती है, दूसरा बैलगाड़ी खींचता है, तीसरा पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, चौथा धोनी की टीम फाइनल में पहुंची। ये चार जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक देखना था। उपयुक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि किसी संज्ञा का प्रयोग पुल्लिंग में तो किसी का स्त्रीलिंग में हुआ है। इसी प्रकार पुल्लिंग के दो भेद हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ये दो प्रकार हैं लिंग के। पुल्लिंग से पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।